हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर लिए हैं। शुरुआत हो रही है न्यू कोर्स से, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ लीजिएगा। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन के 1, 2 और 3 क्वेश्चन हैं, और इस 3 में से आपको 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विद एग्जांपल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सी का जो ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है जिसके थ्रू हम दो ऑपरेंड या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन का काम करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पूछ रहा है विद एग्जांपल। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसकी लिस्टिंग कर लीजिए, लाइक अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर्स आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में समझाना है। समझाने का जो दायरा होगा वो आप ये मान के चलिए कि जब एक बड़े क्वेश्चन में एक ऐसा सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद एग्जांपल, तो आप जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख रहे हैं तो उसमें 3 या 4 से ज़्यादा लाइन ना लिखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है। और अगर आप 5 बेसिक ऑपरेटर, जैसे बोला जाए तो रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक है और बिटवाइस, और साथ में एक हाथ और ले लीजिए, केवल असाइनमेंट केवल 5 ही ऑपरेटर को अगर आप समझा रहे हैं, तब आप 6 से 7 लाइन लिखिए किसी एक ऑपरेटर में। अदरवाइज आपका टोटल जो आंसर है वो मैक्सिमम 3 या 4 पेज से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। तो 3 से 4 पेज में आप इसे ख़त्म करिए। इसका YouTube में आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। YouTube में आप ऑपरेटर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिटवाइस ऑपरेटर का मैंने सेपरेट बनाया है, लेकिन बाकी सारे ऑपरेटर्स का मैंने एक साथ बनाया, तो वहाँ से जाके आप ऑपरेटर क्या होता है ये समझ के आप देख सकते हैं। ये रही वो प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग इन सी की, जिसमें ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, शॉर्ट एंड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और रिलेशनल में आपको लॉजिकल, मतलब ये सेकंड पार्ट है इसका, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ से बिटवाइज ऑपरेटर 3 और ये 4 वीडियोस, और ये 5वां वीडियो भी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो मैंने 5 डिफरेंट सेक्शंस में इसका ऑपरेटर का डिटेल में बनाया है, ये आपका पढ़ा हुआ होगा। बस आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो देखिए, 2 प्रकार के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। एक होता है फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड में केवल 2 ही आते हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ, और अनफॉर्मेटेड में बहुत सारे आते हैं। मैं आपको सिलेबस से दिखा देता हूँ, एग्जामिनेशन में आपको याद आएगा कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में गेट सी एच है, गेट सी एच ए आर है, गेट सी एच ई है, गेट सी एस, गेट सी है, पुट सी है, पुट कैरेक्टर है। इसमें केवल जो पुट कैरेक्टर फंक्शन है ये फाइल हैंडलिंग का होता है, बाकी ये सारे फंक्शंस आपके अनफॉर्मेटेड में इंक्लूडेड है। तो इन सभी का आपको छोटा छोटा परिभाषा एक एग्जांपल के साथ लिख के आना है। अयोग्य सारे फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। देन आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव से लेके डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड और एम्प्टी डाटा सेट, ये 4 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जिन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपका इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, फिर इंटीजर के अंदर आपका लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, इस तरीके से आप समझाइए। और इसको भी बहुत ही प्रिसाइज लिखिए, कम से कम 2 से 3 पेज का आंसर आपको डेटा टाइप में लिखना है। एग्जाम्पल आपका 1 पेज एक्स्ट्रा रहेगा, तो कम से कम 4 पेज का आंसर इसका आप लिख सकते हैं। सेकेंड यूनिट में है एक्सप्लेन फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में भी आप सीधा सीधा क्या करिए, एक फंक्शन का एग्जांपल पहले छाप दीजिए, उसमें फंक्शन का प्रोटोटाइप आप सबसे पहले समझाते हैं। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फंक्शन का, कि फंक्शन का प्रोटोटाइप आप कैसे बनाते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे आप किसी भी वीडियो को निकाल लीजिए, इसमें आपको डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे, फंक्शन को बताने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि फंक्शन आप जैसे बना रहे हैं तो फंक्शन का प्रोटोटाइप है, देन उसका डिक्लेरेशन है, फिर उसकी डेफिनेशन है। ये पहले मैंने इस वीडियो में आपको यूजर डिफाइंड के बारे में बताया है, और आगे चल के आपको कहीं पे जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप और उसके आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप सारी चीज़ें आपको इसमें, ये देखिए जैसे ये प्रोटोटाइप है इसका, और ये फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं, फिर नीचे आपको फंक्शन का डेफिनेशन है, एक्सेट्रा। सो इस तरीके से आप फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद एग्जांपल। देखिए, जहाँ तक ब्रेक और कंटिन्यू की बात है, तो आपको इसमें केवल एक लाइन याद रखनी है कि ब्रेक और कंटिन्यू जो है
ये कभी भी लूपिंग के अलावा किसी भी दूसरे स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं होते। लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं, लूप को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब होता है लूप को किसी कंडीशन पे लगा के, जैसे आपने दिया कि इफ़ आई इक्वल टू 5, या कोई भी आप कंडीशन दे रहे हैं लूप के अंदर में दे रहे, आपने लूप को ब्रेक कर दिया, रोक दिया वहीं पे, तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट बोलेंगे। कंटिन्यू मतलब एट पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे आपको उस पर्टिकुलर स्टेप को स्किप करना है, तो इसको अपन बोलते हैं स्किपिंग करना। जैसे इस वीडियो में देखिए आप, आई है, आई की वैल्यू 1 से 10 तक अपन ने लूप लगाया। अब चेक कर रहे हैं कि आई अगर 8 हो गया तो अपन क्या करें, ब्रेक कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट भी करा दे रहे हैं अपन, अननेसेसरी भी बोल सकता हूँ मैं उसको। तो इस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू को समझने के लिए आप यार वीडियो भी देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट 50 to 1 यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो ये प्रोग्राम का एक झलक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सब कुछ आपको लिखना है, यहाँ पे आई की वैल्यू 50, और आई की वैल्यू को सबसे पहले आप प्रिंट करा दीजिए, फिर आपको बोल रहा है कि 50 to 1 तक आपको जाना है, 50 to 1 यूजिंग डू व्हाइल लूप। फिर लास्ट में आपको कंडीशन लगा देनी है, व्हाइल जो आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 1, दैट्स ऑल, ये आपका प्रोग्राम बन गया। तो अगर आप इसको कायदे से मेन फंक्शन के अंदर सही से लिख के आ गए तो आपका पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा आपको। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, इसका आउटपुट ज़रूर आप यहाँ पे लिख के आए। यहाँ पे स्लैश टी लगाए का मतलब ये है कि सबसे पहले नंबर प्रिंट होगा, फिर एक टैब स्पेस के बाद में आपका अगला नंबर 49, देन 48, इस तरीके से आपको आउटपुट लिख के आना है। कॉपी में जितनी भी स्पेस रहेगी उसके हिसाब से आप इसको लिख के आएंगे। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। देन आपसे थर्ड यूनिट का क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन एन अरे, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अरे विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो अरे क्या होता है और अरे के प्रकार, मतलब वन डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे दूसरा प्रकार होता है। जो टू डायमेंशनल अरे होता है उसको अपन मल्टी डायमेंशन भी बोलते हैं, बोल सकते नहीं, बोलते ही हैं। तो जब भी आप टाइप्स लिखें तो वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन लिख के आप समझाएं इसमें। एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे strcmp, strrev, strlwr, upr वगैरह, ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे बताइए। राइट अप सी प्रोग्राम टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स हैविंग नेम, रोल नंबर एंड क्लास यूजिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, सी प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको केवल एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट नाम का, जिसके 3 मेंबर्स होंगे, नेम, रोल नंबर और उसकी क्लास। क्लास मतलब यहाँ पे आपको उसकी क्लास को लेना है। तो रोल नंबर जो है वो इंटीजर होगा, नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा और क्लास होगा। केवल एक स्ट्रक्चर बनाना है, 2 स्टूडेंट का आपको अगर डिक्लेयर करना है तो एक S1 और S2 नाम से डिक्लेयर कर लीजिएगा। तो ये आपको काफ़ी एक लंबा मेरा वीडियो है इसमें स्ट्रक्चर का, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब का, तो ये तकरीबन 45 मिनट्स का आपको वीडियो अलग से दिख जाएगा इसमें, मैं शो कर रहा हूँ। ये रहा वो प्रोग्राम। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करना दोनों ही आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें इंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो आपको 10 स्टूडेंट है तो इसमें आएगा। तो ये देखिए रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, ऐसा लग रहा है मेरी यहाँ से उठा के दिया है इसने प्रोग्राम को, तो कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर, नेम और क्लास, इस तरीके से आपको 3 वेरिएबल बनाना है। ये इसका पहला वेरिएबल स्टूडेंट का एस, तो आप यहाँ पे S1 और S2 लेके 2 वेरिएबल से एक्सेसिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे केवल एक लिया है, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट क्लास, इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, S1 और S2 लेके 2 स्टूडेंट का बना सकते हो। तो ये काफ़ी लकीली ये प्रोग्राम मेरे वीडियो से मैच खा गया, ये जस्ट एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है यहाँ से उठा के दिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देन यूनिट 4 से क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के 4 फंक्शंस होते हैं, एक होता है मैलोक, दूसरा होता है सीएलोक या उसको कैलोक भी बोलते हैं, फिर होता है रीएलोक रीएलोकेशन करने के लिए, और चौथा और आखिरी होता है फ्री फंक्शन। इन 4 फंक्शन के सिंटैक्स और इसका एप्लीकेशन और मैलोक और कैलोक का डिफरेंस कि कौन कंटीजियस लोकेशन में मेमोरी बनाता है और कौन नॉन कंटीजियस में बनाता है, ये आपको डिफरेंस याद रखते हुए इसके एग्जाम्पल बना देने हैं। एक्सप्लेन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर को पॉइंटर से कैसे एक्सेस किया जाता है ये आपको समझाना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं तो बन जाएगा आपसे। वॉट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर विथ सूटेबल सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि पॉइंटर क्या होता है, बढ़िया सा एक पॉइंटर बनाइए सी प्रोग्राम के साथ। तो अब आप याद रखिए कि इन 3 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन बना के आने हैं, और फिर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये पूरे फाइल के फंक्शंस हैं, एफ गेट सी, एफ फ्लश, और ये मैक प्री प्रोसेसर है, हैश डिफाइन और एंड इफ। तो ये आपका इफ एंड एफ जो होता है, जो कंडीशनल कंपाइलेशन जिसको अपन बोलते हैं, उसके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये सब छोटे छोटे आपको समझाने हैं।
फिर आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ टू ओपन रीड राइट एंड क्लोज टू एनी फाइल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फाइल को ओपन करना ओपन कमांड के थ्रू, रीड और राइट करना एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ और एफ राइट भी एक फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन का यूज़ करके आपको फाइल को ओपन करना क्लोज करना ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग थ्रू कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू फाइल को कैसे ओपन किया जाता है ये भी एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है कि डॉस में जाके जो अपन फाइल का नाम लिखते हैं और उसको आर्गुमेंट्स देते हैं तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अपने को पता चल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, जैसे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद नेसेसरी डिटेल्स। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से लेके यूजर डिफाइंड फंक्शन तक जो छह चीज़ें होती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और आपका फंक्शन, आपका एग्जीक्यूशन सेक्शन, बॉडी, ये सारी चीज़ें आपको समझानी रहती है इसमें। ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इसके आंसर में, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको यहाँ से डायग्राम याद रखना है केवल इसका, और इस डायग्राम को एक्सप्लोर कर देना है। ये जैसे डायग्राम है इसमें ग्लोबल डिक्लेरेशन, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको समझा देनी है अच्छे से। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स इन सी स्पेसिफाइड। तो सी में तो भाई 32 कीवर्ड होते हैं। अब आपको यहाँ पे 8 नंबर में पूछ रहा है कि कितने कीवर्ड होते हैं अलग अलग बताओ, तो आपको कितने याद हैं। तो लूपिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स और इसी तरीके से जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन के लिए कीवर्ड्स, इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स हैं। 3 या 4 प्रकार के टॉपिक उठाइए और उन टॉपिक के हिसाब से कीवर्ड्स को समझा दीजिए, आपसे बन जाएगा। देन राइट द गाइडलाइंस टू यूज गेट कैरेक्टर फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे गेट कैरेक्टर का पूरा एक प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है, तो गेट कैरेक्टर का अगर आपको कोई प्रोग्राम आता है तो ही इस प्रोग्राम को आप टच करिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ही छोड़ के बाकी दोनों क्वेश्चन को बनाइए। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सिर्फ गेट सी एच ए आर का यूज हो, ऐसा कोई बढ़िया सा अगर आपको प्रोग्राम बनाना आता हो तब आप इस प्रोग्राम को टच करिए। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट ऑल फिबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि फिबोनाची सीरीज जो है वो कैसे जनरेट की जाती है, वो आपको इसे मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ये बना हुआ है देखिए फिबोनाची सीरीज परफेक्ट मेथड, जो कैसे इसको बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा मेथड इसका। देन क्लियरली स्पेसिफाई नेस्टेड लूप विथ एग्जाम्पल। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप कैसे बनाया जाता है, ये भी आसान है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये फंक्शन का है टॉपिक। इसमें आपको एक कॉल बाय वैल्यू के लिए नॉर्मल वेरिएबल और कॉल बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके समझाना है। फिर तीसरा यूनिट से क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे विथ एग्जाम्पल। तो इसमें आपको 2 डायमेंशनल अरे का इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन एग्जाम्पल के साथ समझाना है। एक्सप्लेन अरे विद इन स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जाम्पल। किसी स्ट्रक्चर के अंदर अरे को कैसे बनाया जाता है, तो अरे के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अरे का मतलब क्या है, जैसे अपन नेम नाम की स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो भी तो एक अरे ही हुआ, तो आप उसको समझाइए कि स्ट्रक्चर के अंदर में जब एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो दैट इज एन स्ट्रक्चर विद इन अरे विद इन स्ट्रक्चर। देन आपका स्पेसिफाई विद एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ये भी डिफरेंस बहुत अच्छा है, आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा वो, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक स्ट्रक्चर का इसमें 45 मिनट्स का वीडियो है, आप उसको स्किप कर करके स्मार्टली देख सकते हैं, फटाफट देख सकते हैं ताकि आपका वो टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाए। ये 42-43 मिनट का जो वीडियो दिख रहा है आपको, इसमें स्ट्रक्चर यूनियन में आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा कि यूनियन जो है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल मेमोरी में स्टोर होता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वॉइड पॉइंटर ब्रीफली डिस्क्राइब। तो वॉइड पॉइंटर जो है वो किसी भी प्रकार के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो या कैरेक्टर हो। देन डिफरेंशिएट बिटवीन मैलोक कैलोक एंड रियलोक विद एग्जांपल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फाइल हैंडलिंग बताया था कि अगर आपको मैलोक और कैलोक का कंटीजियस एलोकेशन वाला टॉपिक याद हो तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और रियलोक में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें आप एक प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं। राइट अ नोट ऑन पॉइंटर टू पॉइंटर विद प्रॉपर एग्जाम्पल। तो पॉइंटर से पॉइंटर को कैसे पॉइंट किया जाता है ये आपको समझाना है। स्पेसिफाई प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज विद एग्जाम्पल्स। फिर एफ सी कैफेर, ये फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन हो गए, ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के जो भी आपको याद हो वो लिखिए, और यहाँ पे आपको केवल ऑटोमोबाइल नाम की एक फाइल बना के सेव करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल लग रहा था बच्चों को, ऑनलाइन के टाइम का है ये एग्जाम पेपर। इसमें आपको करना क्या है, एक सी प्रोग्राम लिखना है जिससे बस एक ऑटोमोबाइल नाम का
जो फाइल है वो क्रिएट हो जाए, दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब मैं सीधा आपको ये क्वेश्चन पेपर को स्किप करके 2017 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, जैसे कि मैं खुद बोलना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है और ये तीसरा है, अब मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो ध्यान ऐसे क्वेश्चन की तरफ ना पढ़ने के बजाय आप सीधा सीधा जो आपसे क्वेश्चन बन रहा हो उसको आप आराम से दिमाग में टिक कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में टिक ना करिए, बस आप ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा बनेगा। प्रोग्रामिंग इन सी जो है वो ओवरनाइट नहीं किया जा सकता तैयार, उसको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है पढ़ाई करने के लिए, तो इतनी तैयारी आप करिए, आपका पेपर ज़रूर अच्छा बनेगा। ऑल द बेस्ट। अगर कोई बड़े क्वेश्चन हो तो आप फटाफट करिए कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।